जिला बिलासपुर उपमंडल स्वारघाट ग्राम पंचायत बहल में लगभग 2 वर्षों से पशु औषधालय में फार्मासिस्ट न होने से पशु पालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि लगभग 2 वर्ष से पशु औषधालय बहल में फार्मासिस्ट का स्थानांतरण हो गया था, तब से लेकर अब तक इस पशु औषधालय में फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे पशु पालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग ने एक फार्मासिस्ट को यहां पर डेपुटेशन के माध्यम से लगाया है, जो कि हफ्ते में 2 दिन ही अपनी सेवाएं देता है। पंजाब सीमा से सटे होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि पर निर्भर है और यहाँ के लोग दूध बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। पशुपालकों ने सरकार से आग्रह किया है कि पशु औषधालय बहल में फार्मासिस्ट की स्थायी नियुक्ति की जाए, क्योंकि फार्मासिस्ट न होने के कारण उन्हें प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है और मनमानी फीस वसूलते हैं। लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि बहल पशु औषधालय में जल्द से जल्द फार्मासिस्ट की स्थायी नियुक्ति की जाए। मैं प्रदीप ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत कोडावाला। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे बहल गांव में जो ये पशु औषधालय है, यहाँ पे वहाँ पे जो वेटनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो लगभग 2 साल से खाली पड़ी है, क्योंकि 2 साल पहले जो वेटनरी फार्मासिस्ट थे उनकी बदली हो गई, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि विभाग की तरफ से डेपुटेशन पे एक वेटनरी फार्मासिस्ट आ रहे हैं जो कि 2 दिन अपनी सेवाएं देते हैं। हमारा ये जो गांव है, यहां पर लोगों का मेन व्यवसाय जो खेती और पशुपालन ही है, लोग अपना गुजर बसर दूध बेचकर ही करते हैं ज़्यादातर। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां पर जल्द से जल्द वेटनरी फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए, और यहां पर पंजाब से हमें डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं जो कि मनमानी फीस वसूलते हैं और हमारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरा सरकार से फिर से एक बार अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट की नियुक्ति जो है वो की जाए। धन्यवाद। मेरा नाम रणजीत सिंह है, मैं गांव बैल का रहने वाला हूँ और एक किसान हूँ। मेरे पास 8-10 पशु हैं। लगभग हमारे यहाँ बहल गांव में 2 साल से लगातार वेटनरी के डॉक्टर की समस्या चल रही है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारे एक टेम्परेरी ड्यूटी पर डॉक्टर आता है मंगलवार और शुक्रवार, और बाकी दिनों में हमारे यहाँ सीट खाली है। कोई पशु बीमार हो जाता है तो हमें बहुत मतलब उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे यहाँ डॉक्टर, परमानेंट डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर और दवाइयों का मतलब समस्या का समाधान किया जाए, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके और हम पंजाब वाले जो डॉक्टर हैं वेटनरी वाले हमें खूब लूटते हैं, उनसे हमारा छुटकारा हो सके। धन्यवाद। बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।